फ्रेंड्स, ये रहा शनिदेव महाराज का मंदिर जो कि शोरप्रयाग में स्थित है। और भी मूर्तियां दिखाता हूं मैं। ये चारों तरफ शनिदेव महाराज की बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं और लोग इस तरह से यहां पे कपड़ा चढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं खड़ा हूँ सुमाड़ी मार्केट में और आज का जो ब्लॉग होने जा रहा है कुछ खास होने जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से रास्ता जाता है और जो रास्ता जो जाता है वो जाता है सूर्यप्रयाग महादेव को। तो यहाँ पे सूर्यप्रयाग है, यहाँ पर दो नदियों का जहाँ पर संगम होता है तो वहाँ पर सूर्यप्रयाग कहा जाता है। और मेरे साथ है राधिका, वो आगे चल रही है और कर लेते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो, हाय, प्रणाम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते उत्तराखंड ब्लॉग में। तो एक नए दिन के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। चलो आज कुछ नया देखते हैं। तो यहाँ पे से ये रास्ता जाता है और राधिका जो है वो आगे निकल चुकी है और हम चल रहे हैं धीरे धीरे हल्के कदमों से सूर्यप्रयाग की ओर। और ये रास्ता देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे खेती हो रही है, कुछ ने अपनी धान को जो है वो काट लिया है इस तरह से, मनाई के बाद पराल को इस तरह से बिछा दिया है। और यहाँ पे कुछ ये वाले जो खेत है वहाँ पे भी धान काफ़ी मात्रा में जो है वो पक चुका है और एक दो दिन में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। और ये रास्ता देख सकते हैं हम खेतों के बीच में से, काफ़ी खूबसूरत। और राधिका जा रही है आगे और चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य भी आप देख सकते हैं। और सामने जो दिख रहा है जिसको मैं अब जूम करने जा रहा हूँ, उस तरह से धान को कटिंग करने के बाद इस तरह से बनाया जाता है और दो या तीन दिन बाद उसकी मंडाई की जाती है। और ये देख सकते हैं धान के खेत, इसमें भी धान लगभग तैयार हो चुकी है। और ये चारों तरफ जो देख रहे हैं आप, ये है सुमाड़ी मार्केट, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और आसमान में हल्के हल्के बादल हैं आज। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं सूर्यप्रयाग जाने का रास्ता और राधिका आगे निकल चुकी है और मैं भी हल्के हल्के कदमों से जा रहा हूँ सूर्यप्रयाग की ओर। अब पीछे देख सकते हैं ये पूरा सुमाड़ी मार्केट है, पूरा देख सकते हैं ये चारों तरफ। और इधर हैं धान के खेत, आप देख सकते हैं शाम का 5:15 का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं सूर्यप्रयाग की ओर। और सूर्यप्रयाग महादेव के भी आपको दर्शन कराएँगे, बने रहिए, ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिए। सूर्यप्रयाग वाले रास्ते पे आप देख सकते हैं हमें एक नर्सरी मिली है, वहाँ पे काफी खूबसूरत फ्लावर आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत ये देख सकते हैं।
खेत हो गया, और इस तरह से हम इकट्ठा करते हैं अनाज को और इस तरह से उस पर लगाया जाता है। और 2-3 दिन बाद इसकी मनाई की जाती है, कोई 2-3 दिन लेते हैं। और गेहूँ की जो धान होती है, सॉरी धान की जो वैरायटी होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको इसकी मनाई की जाती है। कोई 2 दिन में हो जाती है कटने के बाद, कोई ज़्यादा समय लेता है, और हमें थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए खेतों वाला ब्लॉक किसी और दिन मनाएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं सुरप्रयाग, और राधिका काफ़ी आगे निकल चुकी है मेरे से। ये देख सकते हैं चारों तरफ देवभूमि उत्तराखंड का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सूर्यप्रयाग महादेव के मंदिर में। हाँ, यहाँ पे जो है दो नदियों का संगम है, एक मंदाकिनी, दूसरी जो नदी है वो लस्तर बोला जाता है उसका नाम, जो कि घनसाली साइड से आती है। और ये सूर्यप्रयाग के ऊपर वाले गेट से हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं, और हम अब नदी वाले गेट से भी मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे। और हम जा रहे हैं अब नदी वाले गेट की तरफ से, तो बने रहे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सूर्यप्रयाग महादेव के मंदिर में, और ये है नदी वाला रास्ता जहाँ से ये नदी को खुलता है, ये जहाँ से जल लेके तब शिवलिंग को चढ़ाया जाता है। और ये मेन गेट है, और एक गेट उसके पीछे से है जहाँ से हमने एंट्री करी है, और मैं अब नदी भी दिखा। तो गाइस, ये रही मंदाकिनी नदी, और सामने जो है जो मार्केट दिख रही है वो सामने तिलवाड़ा है, और तिलवाड़ा के जस्ट अपोजिट सुमाड़ी मार्केट है, और यहाँ पे संगम भी है आगे जाके। संगम वाला ब्लॉक किसी और दिन हम कवर करेंगे। और ये देख सकते हैं ये नदी के किनारे, यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पे भी एक शिवलिंग बनाया गया है, ये दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं त्रिशूल वगैरह हैं यहाँ पे। मंदिर का मेन गेट, और हम धीरे धीरे अब मंदिर की तरफ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा शनिदेव महाराज का मंदिर, जो कि सूर्यप्रयाग में स्थित है। और भी मूर्तियाँ दिखाता हूँ मैं। ये चारों तरफ शनिदेव महाराज की बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और लोग इस तरह से यहाँ पे कपड़ा चढ़ाते हैं काले कलर का, क्योंकि काला रंग जो है शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। ये शनिदेव की प्रतिमा आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों ने तेल चढ़ाया हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे शनि महाराज के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे इस मेन वाले मंदिर पे, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। भोलेनाथ बोलो, शिव शंकर बोलो, अनेक नाम है। तो अब मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ मंदिर की तरफ।